स्माइल दिख रही है करण के फेस पे बच्चों को म्यूजिक सिखाते वक्त, क्या हो रहा है एग्जैक्टली करण? दादू ने मुझे बताया कि वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती है, तो बच्चे हैं जिससे मुझे खुशी मिलती है। और आज बच्चों को मैंने घर पे बुला लिया, इनसे आज काफ़ी टाइम से मिला नहीं था, बीच में काफ़ी मेरा और नैना का रोमांस हो रहा था तो मैं बच्चों को भूल गया था, तो मुझे एकदम से याद आया रोमांस के बच्चे होते हैं, आई मीन है ना, तो इसलिए मैंने बच्चों को घर पे बुलाया और आज उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ तो खुशी मिलती है मुझे, उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, उनको मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, वैसे बच्चे तो घर में आ ही गए हैं, तो बाकी फैमिली मेंबर्स को कुछ एतराज़ हुआ तो करण किस तरह से हैंडल करने वाले हैं इन सब चीज़ों को? मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होगा क्योंकि मेरी लाइफ से वैसे किसी को प्रॉब्लम कुछ मैटर होता नहीं इस घर में, सिर्फ नैना और नैना को अच्छे लगते हैं बच्चे ये वाले वैसे भी शायद लगते हो पता नहीं, तो नैना देखी उसे खुशी ही होगी, मेरी माँ देखी तो खुशी होगी, बट आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होगी, बट अगर होगी तो देखते हैं क्या होगा। ओके, लास्टली साबित, आपको कितना इंटरेस्ट है म्यूजिक में? क्योंकि यू नो करण इज क्वाइट फाउंड ऑफ। मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, बजाना मुझे म्यूजिक में कुछ नहीं आता है ना, तो ठीक है यहाँ मज़ा आ रहा है, एक्टिंग करता हूँ, एक्टिंग ही कर रहा हूँ, बट हाँ मैं गाने बहुत सुनता हूँ, म्यूजिक बहुत सुनता हूँ, बहुत जॉनर टाइप्स के सुनता हूँ मैं गाने एंड मज़ा आता है। सो आज तो आप बच्चों को सिखा दिए, तो कुछ आपका फेवरेट सॉन्ग जो आप गा सके अभी? अच्छा, सो क्यूट है ना, मतलब बेइज्जती करवा दो मेरी। नहीं, मैं गाना वाना नहीं गाता हूँ, मैं सिर्फ एक्टिंग ही करता हूँ और अभी इतना ही आता है। थैंक यू।